मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस्ती तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये, इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब साहब, मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है तो गुंडे बदमाश थर थर कांप रहे, लेकिन कहां, महज विज्ञापन में। अब यह विज्ञापन देखिए, ताजुब होता है इसे देखकर। पूरा का पूरा विज्ञापन किसी सीआईडी या क्राइम पेट्रोल सरीखा बनाया गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के यूपी हैंडल पर शेयर भी किया गया है। दरअसल इन दिनों प्रदेश और प्रदेश के बाहर के सभी टीवी चैनल और अखबार इसी तरह के विज्ञापनों से पटे पड़े हैं, जिसमें दो तरह की तस्वीरें दिखाकर बताया जा रहा कि फर्क साफ है। अब फर्क क्या और किससे साफ है, तो अब भाजपा की जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखकर ये सभी विज्ञापन चलाए जा रहे। इस विज्ञापन में एक गुंडा टाइप का अभिनय कर रहा अभिनेता थाने में कथित जलाई गई बस का जुर्माना देने पहुंचा है। वह हाथ जोड़कर कह रहा कि बताइए साहब, जुर्माना कहाँ जमा करना है। जिसके ठीक तुरंत बाद दरोगा का अभिनय निभा रहा अभिनेता आकर बताता है कि फर्क साफ है। एक बार फिर देखिए यह विज्ञापन। मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस्ती तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये, इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब साहब, मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। तो देखा आपने, अब जरा ये बताइए कि इसमें काम करने वाले लोगों ने क्या फ्री में काम किया होगा, या जिस भी प्लेटफार्म पर चल रहा क्या वहां फ्री में चला होगा? अखबारों और टीवी चैनलों पर ये फर्क साफ क्या फ्री में चला रहा? तो बिल्कुल नहीं। ये सरकार आपके अपने पैसों को पानी की तरह बहाकर अपना डंका पीट रही। सब तरफ फर्जीवाड़े का शोर मचाया जा रहा, धनाधन फीते काटे जा रहे, तो विकास नाम की चीज का कोई नामो निशान तक नहीं है। रुपया देकर भीड़ बटोरी जा रही, बाकायदा जिले जिले अफसर और प्रशासन भीड़ का बंदोबस्त करने में लगे हैं। वाहियात का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा, कहीं भी कुछ भी नहीं है। सबको फ्री राशन बैंकों के माध्यम से योजनाएं बनाकर 1500 रुपया भेजा जा रहा। ये सब कुछ आप भी कमा और खरीद सकते हैं, बस आपके पास रोजगार होना चाहिए, जिस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन यह सब जनता को देखना है, सब कुछ उसी का है, उसी पर निर्भर है। सरकार फरकार नाम की चीज जनता से ऊपर नहीं होती, यह ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झंझार।